आमतौर पर सेक्स रैकेट होटल या मसाज सेंटर जैसी जगहों पर चलते हैं, लेकिन अगर परचून की दुकान में हुस्न के कारोबार का भांडाफोड़ हो तो है ना चौंकाने वाली बात। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में परचून की दुकान के आड़ में सेक्स की मंडी का भांडाफोड़ हुआ है। अंदर अंदर बढ़ो, हटो हटो, अरे अंदर हटो हटो साहब। मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रही पिक्चर पुखराया कस्बे की है। देखिए किस तरह हुस्न का जलवा बिखेरने वाली बालाओं को मुंह छुपाना पड़ रहा है। मोहतरमा के एक हाथ में बिस्लेरी की बॉटल और दूसरे हाथ में पॉलिथीन है। मोहतरमा के कद्रदान नौजवान के मुंह पर जैसे कालिख पुत गई है। उसने भी कैमरे से बचने के लिए मुंह को छुपा रखा है। बहरहाल ये काम ही कुछ ऐसा है जहां दिन के उजाले में भी लोग मुंह छुपाकर आते जाते हैं। फिलहाल चमड़ी का कारोबार करने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। ये जो सेक्स रैकेट था, ये दंपति महिला पुरुष उनके द्वारा चलाया जा रहा है और ये भोगनीपुर थाना क्षेत्र के जो डिप्टी SP हैं संदीप सिंह, उनके नेतृत्व में दबिश दी गई और एक महिला और एक पुरुष द्वारा ये सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था। इसमें कुल चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें दो महिलाएँ और दो पुरुष हैं। उन पर अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में चौकी इंचार्ज की भूमिका पर ही सवाल उठ रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि SP साहब चौकी इंचार्ज के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। कानपुर देहात से NDTV भारत के लिए सत्येंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।